We are studying unit 9, decimal. In previous video, we learned about what is fractions and unit fractions, and हमने उनको ascending and descending order में arrange करना सीखा था, and like fraction और unlike fraction हमने पढ़ा था. Today's topic. Comparison of like fraction and addition and subtraction of like fraction. आज के वीडियो के दो टॉपिक्स हैं. एक तो हम like fraction का comparison करना सीखेंगे और एक हम like fraction का ही addition and subtraction करना सीखेंगे. So for this, open your story book, page number 26. Here comparison of like fraction. लाइक फ्रैक्शन तो आपको मालूम ही है क्या होते हैं. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं. ठीक है, तो अब हमें उनका कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन मीन्स यानी कि टू फ्रैक्शन आपको गिवन होंगे, टू या थ्री अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर उनमें आपको कंपैरिजन करना है यानी कि कौन लेस देन है, कौन से फ्रैक्शन लेस देन है, कौन से फ्रैक्शन ग्रेटर देन है या कौन से फ्रैक्शन इक्वल है. उसमें से कुछ तो लेस देन होगी, कुछ ग्रेटर देन होगी और कुछ इक्वल होगी. जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊँ, हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. आपके सिर्फ लाइक फ्रैक्शन का ही कंपैरिजन है, अनलाइक का नहीं है. तो लाइक फ्रैक्शन के लिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे कि 2/5 है एंड 6/5 है, ये टू फ्रैक्शन आपको गिवन है. अब आपको वो बोले कंपेयर करके बताइए व्हाट लेस देन है कि ग्रेटर देन है कि इक्वल है. ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये मालूम चलने जा रहा है कि ये लाइक फ्रैक्शन है. कैसे मालूम चला हमें? हमें इस तरह से मालूम चला कि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है. अब लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन का सीधा सा तरीका है, न्यूमरेटर को देख लो. अगर न्यूमरेटर जैसा होगा वैसे हमें मालूम चल जाएगा कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है. अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 2 है और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 6 है. तो ऑफकोर्स 2 इज लेस देन 6. 2 6 से छोटा है, कम है, तो हम फ्रैक्शन चेंज देंगे, हम सॉरी साइन में लगा देंगे हम ये वाला. ठीक है, 2/5 लेस देन 6/5 यानी कि 2/5 6/5 से छोटा है. ठीक है, तो इस तरह से हमें कंपैरिजन करके बताना होगा कि विच इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल. तो इसी तरह की आपकी एक्टिविटी है. तो फॉर दिस एक्टिविटी 9.10 पेज नंबर 26 विकास मदर आस्क्ड हर टू मेक टू पार्ट ऑफ बॉय एंड वन पार्ट ऑफ बॉय बुक इन द हाउस. दीपा की मदर ने उससे क्या कहा दीपा से कि बॉल वन है इसके लिए टू पार्ट पेंट करो और जो बॉल टू है उसका वन पार्ट पेंट करो. बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज और जो दोनों बॉल्स हैं वो सेम साइज की है. हेल्प दीपा बाय कलरिंग द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ईच बॉल. हमें बताना है डायरेक्शन. ठीक है, बॉल वन की पिक्चर भी आपको दी हुई है और बॉल टू की पिक्चर भी आपको दी हुई है. ठीक है, दोनों बॉल्स इक्वल साइज की है. इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आर द कलर पार्ट्स ऑफ बॉल वन एंड बॉल टू द सेम. आपको ये बताना है कि जो कलर पार्ट है बॉल वन का और बॉल टू का वो क्या सेम है. अब हम ये देखेंगे कि जो बॉल वन है उसके दिखाने टू पार्ट कलर किए हैं और जो बॉल टू है उसका वन पार्ट कलर किया है. तो ऑफकोर्स जो कलर पार्ट होगा वो सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि वन बॉल के तो टू पार्ट कलर कर दिए थ्री में से और सेकंड बॉल के वन ही पार्ट कलर किया है थ्री में से. तो हम यहाँ अपना आंसर देंगे नो. आर द कलर पार्ट ऑफ बॉल वन एंड बॉल टू द सेम, तो हम यहाँ आंसर देंगे नो. ये सेकंड है इफ नो विच बॉल इज कलर मोर. अगर हमारा आंसर नो है तो हमें ये बताना है कि कौन सी बॉल है जो ज्यादा कलर हुई है. तो बॉल वन हम इसमें आंसर करेंगे बॉल वन, क्योंकि बॉल वन के थ्री पार्ट में से टू पार्ट कलर हुए हैं और बॉल टू के थ्री पार्ट में से वन पार्ट कलर हुआ है. इसके बाद पढ़ा
represent the color part of the whole as fraction and compare them. हमें color part को fraction में show करना है, write करना है और comparison करना है. तो देखो हम कर रहे हैं activity 9.10. In this activity, first three questions के हम answer कर चुके हैं. अब हम third question का answer करते हैं. हमें fraction में represent करना है इसको. तो जो ball one है, ball one and ball two, यही है. अब ball one ये three part है और ball two के भी three part है. अब ball one में three part में से two part अलग किए हैं. तो हमारी fraction क्या हो गई? Two third. क्योंकि थ्री पार्ट टोटल है और उसमें से हमने टू पार्ट को कलर कर दिया. इसके बाद जो बॉल टू है उसके भी थ्री ही पार्ट है बट उसमें कलर कितना है? वन पार्ट. तो वन थर्ड कर दिया हमने. तो ये तो इतनी हमने फ्रैक्शन. तो सबसे पहले तो आप ये राइट करेंगे, ये हो गई हमारी फ्रैक्शन. ओके, यहाँ आपको ब्लैंक ब्लैंक दिए हुए हैं बॉक्स, तो उस बॉक्स में आप ये फ्रैक्शन राइट कर देंगे. इसके बाद जो होता है सबसे पहले तो फ्रैक्शन राइट करो और उसके बाद उसका कंपैरिजन करो. तो अभी कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया था जो लाइक फ्रैक्शन है ये भी लाइक फ्रैक्शन ही है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तो लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने के लिए हम न्यूमरेटर को देख लेंगे. इसका न्यूमरेटर टू है फॉर वन का और फॉर टू का न्यूमरेटर वन है. दैट मीन्स टू इज बिगर देन वन. तो हम साइन क्या पुट करेंगे यहाँ पर? तो इसी तरह से हमको ये एक्टिविटी करनी है. ओके, इसी के बाद जस्ट इसी के नीचे इन एक्टिविटी 9.10 द फ्रैक्शंस आर, कौन से फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन है. तो ब्लैंक में क्या आएगा? लाइक. एंड द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द बिगर फ्रैक्शन. एंड जो ग्रेटर न्यूमरेटर की जो होता है इसका सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर होगा वो भी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी. ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 9.11 राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट इन ईच शेप. अब ये आप खुद करना, मैं आपको समझा देती हूँ. एक्टिविटी 9.11 Write the fraction of the colored part in each shape. आपको थ्री shapes दिए हुए हैं और उनके parts और colored parts दोनों दिए हुए हैं. अब आपको उनकी fraction write करनी है. तो fraction write करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो total part है वो count करेंगे और फिर उसके बाद जो colored part है वो count करेंगे. तो first जो shape है उसके total 6 part हैं. देखिए, ये देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है उसके 6 पार्ट हैं, उसमें से 3 पार्ट कलर्ड हैं. तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई? 3/6. इसी तरह जो सेकंड पिक्चर है उसके 6, उसके भी 6 ही पार्ट हैं और उसमें से 5 पार्ट कलर्ड हैं. तो फ्रैक्शन हो गई 5/6. इसके बाद जो थर्ड पिक्चर है उसके भी 6 ही पार्ट हैं और उसमें से 2 पार्ट कलर्ड हैं. तो फ्रैक्शन हो गई 2/6. तो इस तरह से आप सब पिक्चर्स की फ्रैक्शन राइट कर देंगे. इसके बाद वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन का टाइप बताना है. अब आप बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन है? तो ये आपको खुद से राइट करना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है. इसके बाद कंपेयर द फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. फ्रैक्शन का कंपैरिजन करो और उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो. ठीक है, तो आपको इसका कंपैरिजन करना है और उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है. तो ये भी आप कर सकते हैं. कंपेयर द फ्रैक्शन, सबसे पहले तो कंपैरिजन करो. हमारी फ्रैक्शन क्या क्या हैं? 3/6, 5/6 और 2/6. ठीक है, अब इसका कंपैरिजन कर लेना आप, विच इज लेस देन, विच इज ग्रेटर देन. ठीक है, और उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना. तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं लाइक फ्रैक्शन का.
इसके बाद हमारा नया टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और कैलकुलेशन। अभी हमने कंपैरिजन करना सीखा, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन का। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है दैट मीन्स डिनोमिनेटर तो इनका सेम होगा ही होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है एडिशन करने के लिए। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर तो होगा सेम, तो जो न्यूमरेटर होंगे फ्रैक्शन के उनको आपको सबको प्लस कर देना है और डिनोमिनेटर एज इट इज ऐड कर देना है, तो उससे क्या जाएगा एडिशन आ जाएगा। ओके तो देखिए रोल नंबर 28 यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में एक बोल्ड लाइन दी हुई है, टू ऐड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड राइट द टोटल डिफरेंस ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। एड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक फ्रैक्शन का हमको क्या करना है, या तो एड कर रहे हैं तो एड कर देंगे, एड का मतलब प्लस और सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, अगर प्लस करना है तो प्लस कर देंगे न्यूमरेटर्स को और अगर माइनस करना है तो न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे एंड राइट द टोटल डिफरेंस ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। और जो कॉमन डिनोमिनेटर है क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो वही कॉमन है, तो उसी के ऊपर हमको वो जो डिफरेंस है या जो टोटल है, टोटल कब आएगा जब हम प्लस करेंगे और डिफरेंस कब आएगा जब हम माइनस करेंगे, तो उसको हमें डिनोमिनेटर के ऊपर राइट कर देना है। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी 9.12 ए ब्रेड लॉफ इज कट इनटू 12 इक्वल पीसेस, मीनू हैज टेकन 7 पीसेस एंड सोनू हैज टेकन 3 पीसेस। ओके तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, फाइंड आउट करने के लिए कि मीनू ने सोमू से कितना ज्यादा लिया है हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द
टू फ्रैक्शन, तो हम यहाँ राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसका ऑर्डर कर देंगे, यानी कि ये तो क्वेश्चन वन था, ये क्वेश्चन टू। 712 में से 312 माइनस कर देंगे, तो 12 तो एवरेज रह जाएगा डिनोमिनेटर, और 7 और 3 है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर देंगे डिफरेंस के लिए, तो 7 में से 3 माइनस किया तो 4, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 412, यानी कि मीनू ने सोमू से 4 पीसेस ज़्यादा लिए हैं। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक फ्रैक्शन का। इसके बाद एक्टिविटी 9.13, मैच द करेक्ट आंसर। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसमें मैच करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है, व्हेन वी पुट टुगेदर 311 एंड 611 इट बिकम्स, यानी कि हम जब 311 और 611 को एक साथ रखें तो ये क्या बन जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, इसमें मतलब हमें क्या करना है, पुट टुगेदर आ रहा है उसका मतलब हमें एडिशन करना है, तो 311 है और 611 है, ठीक है। अब 311 और 611 को हम पुट टुगेदर कर दें यानी कि प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा, 11 तो एक्जिटिव आ गया डिनोमिनेटर में, और हम क्या करेंगे, एडिशन कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन का, तो 3 और 6 को प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 9/11। तो इसको हम 9/11 से मैच कर देंगे, तो फर्स्ट का आंसर मैच होगा 9/11। इसके बाद जो सेकंड है, व्हेन वी टेक अवे 27 फ्रॉम 67 इट बिकम्स, जब हम 27 टेक अवे कर रहे 67 में से तो ये क्या बन जाएगा, तो टेक अवे का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब 27 लेना है 67 में से, तो हम 67 को पहले टेक करेंगे, 67 माइनस 27, ठीक है, तो 7 को एडिटिव आ गया और 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 6 में से 2 को माइनस किया तो क्या रह गया, 4, फ्रैक्शन क्या हो गई, 4/7, तो सेकेंड वाले को 4/7 से मैच कर दें। इसके बाद थर्ड है, व्हेन 1/6 इज एडेड टू 2/6 इट बिकम, जब हम 1/6 में 2/6 को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन 1/6 इज एडेड टू 2/6 इट बिकम्स, तो जब हम 1/6 में 2/6 को ऐड करेंगे, अब वो ऑलरेडी हो गया उसमें इज एडेड, एडेड का मतलब हम प्लस करना है, तो 1/6 प्लस 2/6, जब हम 1/6 में 2/6 को प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3/6, तो हम इसको 3/6 से मैच कर देंगे। इसके बाद 4 है, व्हेन 1/4 इज टेकन अवे फ्रॉम 3/4, जब हम 3/4 में से 1/4 को टेकन अवे कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्या बन जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 में से 1/4 को माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा, 3 में से 1 किया तो 2 और 4 की जगह 4, तो ये बन जाएगा 2/4, तो हम इसको 2/4 से मैच कर देंगे, ओके। तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस पूरी यूनिट में, यहाँ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। इस ऑल ओवर यूनिट में हमने क्या क्या रीड किया, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन के बाद हमने यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने उसको ग्रेटर देन स्मॉलर देन और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया यूनिट फ्रैक्शन को। इसके बाद हमने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन रीड किया, उसके बाद हमने कंपैरिजन सीखा लाइक फ्रैक्शन का, और फिर उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, डू एक्टिविटी 9.10 9.11 9.12 एंड 9.13। Thank you.
आपको अपनी बुक के लिए यूनिट करनी है और आपको ये एक्टिविटी ओनली अपनी स्टूडियो बुक में ही फिल करनी है।